और दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। 13 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ये बैठक लेंगे। बता दें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के साथ ही बैठक होगी। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। हाईकमान लेगा बैठक ये। एमपी कांग्रेस के कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा। जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह कामकाज की रिपोर्ट देंगे। बैठक के कारण उज्जैन में प्रदर्शन का कार्यक्रम टाल दिया गया है। 13 की जगह 14 अगस्त को उज्जैन में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। तो कांग्रेस की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कही जा सकती है। बता दें आपको दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। खड़गे साहब ये बैठक लेंगे और इसमें राहुल गांधी की उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी पहुंचेंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए, साथ ही साथ फीडबैक देने के लिए कि आखिर कामकाज कैसा चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है, कैसी रणनीतियों के तहत आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिल्ली में बैठक कांग्रेस की, जीतू पटवारी पहुंचेंगे, कितनी खास ये बैठक चूंकि राहुल गांधी खड़गे खुद ये बैठक ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली। इसमें सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रभारी और महासचिव सभी को बुलाया गया। सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश से जो बैठक होगी उसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और जितेंद्र भवन सिंह जो प्रदेश प्रभारी है दोनों मौजूद रहेंगे। और इन्होंने अपने कामकाज को लेकर जो पिछले दिनों लगातार कांग्रेस आंदोलन करी है उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। 13 अगस्त की महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें राहुल गांधी खुद बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे और जो तमाम जो दिल्ली के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं जो अब मैदान पर रणनीति को लेकर बात होगी राहुल गांधी इस बैठक में कि किस तरीके से राज्यों में ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच, अगर विपक्ष में तो किस तरह प्रदर्शन करना है, किस तरह जनता के बीच जाना है, अपनी बात रखना है। तो एक बड़ी रणनीति के तहत ये बैठक 13 अगस्त को होने जा रही है और इसके लिए सारी तैयारी मध्यप्रदेश के भी प्रमुख दोनों नेताओं को बुलाया गया है। और इसी कारण जो कांग्रेस का 13 जो बड़ा प्रदर्शन होने वाला था उसको टाल दिया गया। अब यह प्रदर्शन 16 अगस्त को होगा उज्जैन में। और पिछले 2 सप्ताह से लगातार कांग्रेस हर जिलों में एक बड़ा आंदोलन कर रही, प्रदर्शन कर रही, उसकी रिपोर्ट भी देगी कि वहां पर कितने लोग जुटे, किस तरीके का आयोजन हुआ और पब्लिक का कितना साथ मिला। तो यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। इसमें आने वाले जो चुनावी रणनीति के अलावा मध्यप्रदेश में 2 उपचुनाव होना है, जो विजयपुर और बुधनी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात हो सकती है कि यहां पर प्रत्याशी कौन हो। इसके साथ ही अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाना, ज्यादा से ज्यादा आंदोलन, इन सारी बातों की रणनीति बनाई जाएगी। तो ये 13 अगस्त की महत्वपूर्ण बैठक है जिसको लेकर सारी तैयारी हो चुकी है और सभी प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। मुरैना का जिक्र करेंगे। 24 से अधिक कच्चे मकान गिरे हैं, रुक रुक कर हो रही बात।